क्योंकि पिंडी आप जाते हैं ना तो आपके सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है यूनाइटेड ऑटोज, बाबर उस्ताद, ये बड़े बाइक से कामों के लिए, ठीक है। तो ये बड़ी ना नाकाबले बर्दाश्त बात होती है, सो इसलिए आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर जाएँ। इसका भी आपको मैं सीरीज दिखाऊंगा, मैं आपको एक आइडिया भी दूंगा कि हम इस पे क्या, इस पे एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा मैं कि इस पे हम क्या करने जा रहे हैं। और यहाँ बाहर देखें तो भाई ने वीगो स्टार्ट की हुई है, वीगो जो है ना फुल टाइम रेस्ट पे है। किधर गया सिला? राइड ले रहा है वीगो की। पता चल गया था चाचू आ रहा है। पता चल गया था, हमने देख लिया था उधर से, शीशे में नजर आ रहे थे आप, समझिए हमें नजर नहीं आ रहा। चला रहा है ये मजे की नहीं, आज जो बूम बूम करें हैन करते हैं हैन। हम बाइक पे जाएंगे बूम बूम। नहीं नहीं हैन हैन हमें चली। वो देखो थका हुआ बेचारा, वो कह रहा है यार वीगो चलाऊंगा मैं अब। देखे खुश हो रहा है हैन हैन। अभी इसको बूम बूम पे खुश करेंगे हम। तो भाई आपका क्या इरादा है वीगो चलाने का? इसको पकड़ लें। वीगो चलाने का क्या इरादा है आपका? चलाएंगे ना। आपके फैंस आते रहते हैं, पूछते रहते हैं यार भाई कहाँ है? भाई यार यहीं पे है भाई, किसी और काम में मसरूफ है, गैराज वाला जाना, हमने थोड़ा पॉज किए हुए, पासवर्ड भूल गए हम थोड़ा सा। भाई इसके साथ मसरूफ हैं। हाँ इसके साथ मसरूफ। फिर आएंगे इंशाल्लाह। इसको बूम बूम पे बिठाओ, आ जाओ बूम बूम पे चले। चलो बूम बूम पे आ जाओ। चलो जी सलार को हम ले आए हैं यहाँ पे, इसको हम अब बाइक पे बिठाएंगे। ये इसकी गाड़ी से ज्यादा जो है ना बाइक इसका फेवरेट है, ठीक है। चलार चले भू भू, देखे खुश होता है इस पे आके। वीगो शीगो नहीं पसंद इसको, है ना, है ना। मजेदार। अच्छा जी यहाँ पे CG 125 का इंजन खुल रहा है, ठीक है। हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है जिसको मैंने कवर करना है, बट देखते हैं कितना मैं कवर कर सकता हूँ, आपको अपडेट दे सकता हूँ। अभी इसके इंजन खोल रहे हैं, पूरा इंजन का काम है क्योंकि इंजन इसका ना बिल्कुल एंड है, और क्लच पैड्स का भी काम है, और पता नहीं क्या कुछ काम है, ओवरऑल इंजन का ना पूरा काम है इसका। तो इसका भी आपको मैं सीरीज दिखाऊंगा, मैं आपको एक आइडिया भी दूंगा कि हम इस पे क्या, इस पे एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा मैं कि इस पे हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि 125 को मैंने कवर नहीं किया। एक टाइम पे मेरा दिल था कि इस पे प्रोजेक्ट करूं, बट नहीं बनता इरादा इस पे, पता नहीं क्यों। सो खैर अभी ये सीन चल रहा है, ठीक है। और ये फैंस आए हुए हैं कुछ, मेरे वीडियोज़ बना रहे हैं। ये इनके बाइक से ही छकड़ा हुआ है, और ये कावासाकी है इसका भी। ये बाहर फैंस आए हुए जी मिलने मुझसे, और बड़ा मरे जा रहे मिलने के लिए। हेलो गाइस, सो फाइनली वी आर बैक विद GS 500 वीडियोस, और आई होप कि आप हमें कोई चीज ना रोके इसकी वीडियोस बनाने से, क्योंकि बहुत लंबा टाइम गुजर चुका है। लास्ट वीडियो मैंने जब डाली थी इसकी, और आज मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो खैर आपसे स्टोरी शेयर करते हैं, और प्यारा सा मौसम, प्यारा सा दिन, और आज 10वां रोज़ा। सो आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे GS 500 की वीडियोस का, और लास्ट वीडियो मैंने जब डाली एग्जॉस्ट की, तो उसके बाद मैं गायब हो गया, वैनिश्ड फ्रॉम यूट्यूब। और काफ़ी लोगों ने पूछा यार आपने बाइक लिया था, बाइक कहाँ गया, आपका बाइक कहाँ है, ये वो। शॉप पे भी जो लोग आते हैं वो पूछते हैं कि यार बाइक कहाँ गया, तो मैं कहता हूँ यार कुछ काम चल रहे हैं उसके, और फिर आ जाएगा कुछ टाइम तक। तो ज़ाहिर अब काम चल रहे थे, तो मैं क्या बताता कि यार कहाँ है बाइक। तो खैर वो काम इतने लंबे हो गए, वो स्टोरीज़ मैं आपको आगे चल के सुनाता हूँ कि क्या स्टोरीज़ हैं। और खैर GS 500 की वीडियोस ऐसे तो नहीं आएंगी ना, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आएंगी। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि आगे नोटिफिकेशन की सीरीज़ आ रही है इसकी, ठीक है। और इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को। अच्छा जी ये बीस्ट जो है ना कुछ अर्सा गायब था, इवन मेरे पास भी नहीं था, तो मैं ख़ुद बड़ा जो है ना उदास था इसके बगैर। कि मैंने इसको टोटल 2 दिन राइड किया, उसके बाद ये बाइक जो है ना सिर्फ मैकेनिक के पास था, और मैकेनिक साहब ने जो इसके साथ हो सकता था ना जुल्म उसने किया, जिस वजह से 20 दिन लग गए इस काम को, 20 दिन से भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि एग्जॉस्ट वाली वीडियो मैंने ये बाइक देने के 2 दिन 3 दिन बाद डाली थी, तो काफ़ी टाइम गुजर चुका है। और
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आ चुका है, इसके काम वगैरह हो चुके हैं। और फिर हुआ ये कि जब ऑलमोस्ट 22वां दिन कह सकते हैं मैंने बाइक उससे निकाला मैकेनिक से, तो फिर हमारा एक्सीडेंट भी हो गया। मतलब इतनी बैड लक चल रही थी कि मैं शॉप से निकलता हूँ कमेटी चौक पे, कमेटी चौक पे जा रहे हैं, आगे एक मेहरान वाले ने ब्रेक लगाई दबा के, मैं उसके बम्पर में जाके लगा, ठीक है इतना ज़ोर से नहीं लगा था क्योंकि टोटल 10 की स्पीड में होगा उस रश में। लेकिन उसके बाद जो पीछे से 70 वाले भाई ने आके ठोका ना, वो कमाल का ठोका। आप ये देख सकते हैं ये जो कैरियर है ना, इसकी अलाइनमेंट बाहर हो गई है और ये सीट अब बैठ नहीं रही सही से, क्योंकि गैप अच्छा खासा आ गया। फुटरेस्ट जो है ये टूट गया था, ठीक है अभी ये जुड़वाया मैंने दोबारा, लेकिन अभी इसका मुंह सिर ना कोई नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। और यहाँ पे भी टंकी पे भी लगा आके, ठीक है इसका हैंडल शैंडल वो बड़ी स्पीड में था और वो आके सही जोर का वजह है, शुक्र है साइड से होके निकला थोड़ा सा, तो कुछ बचत होगी बाकी। और हैंडल में थोड़ा सा प्ले आ गया, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये जो है ना ये शायद लूज़ हो गए या टेढ़े हो गए या क्या चक्कर है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बचत होगी, थोड़ी थोड़ी लगी थी, लेकिन जो उस भाई ने छलांग मारी ना गाड़ी के ऊपर, यहाँ से आगे वजह है और वो मैरान की छत के ऊपर गया तो खैर ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये बाइक शायद मेरे पास आना नहीं चाह रहा था इतने टाइम से, मैं इसको फिर खींच के लाया हूँ कि तू आएगा। अच्छा जी, तो स्टोरी कुछ यूँ है कि बाइक के कामों की तो डिटेल्स मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा, आगे सीरीज आएंगी कि इसके क्या क्या काम करवाए मैंने और ये वो, ठीक है लीकेज वगैरह के काफ़ी इश्यूज थे और इसके मतलब काम होने वाले थे काफ़ी। तो मैंने जी लोगों से पूछा कि कहाँ जाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बाबर मैकेनिक के पास जाएँ कमेटी चौक पर, और कमेटी चौक पर मैं बाबर मैकेनिक के हाथ लग जाता हूँ और ऐसा वो हाथ लगते हैं कि बस जी ना पूछ, जलील होके रह गए। इतना जलील मैं अपनी लाइफ में किसी मैकेनिक से नहीं हुआ जितना उस बंदे ने किया, ठीक है। इस तरह से कि एक तो काम अधूरा और टाइम डबल ट्रिपल, ठीक है सोचें दो चार काम बाइक के और एक महीना लग गया, ठीक है। उससे पहले भी उसी से काम हुआ था जो कि कंप्लीट उसने नहीं किया था, मेरे से जो पिछले ऑनर है मेरोज़ भाई, उन्होंने भी उससे करवाया था और उसने अधूरा काम करके, तो वो सारे प्रॉब्लम स्टार्ट ही उसी बंदे से हुए और उस बंदे ने जितना जलील हो सकता था हमें किया। और आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, 25 दिन हो गए कल कल करते करते, और इतना मुश्किल हो गया कि मुझसे वो बंदा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उसको रोज़ कॉल करके बातें सुना रहा कि यार आज मेरा काम करना है, आज करना है। उससे मैंने 2 बजे तक बैठ के बाइक जुड़वाया अपना, ठीक है रात के 2 बज रहे और वो काम कर रहा है, और फिर वो कहता है कि एक चीज़ मिसिंग है कल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के बंदे से काम करवाने से आप भी गुरेज करें। और ऐसे जलील पहले जब ये सब हो गया तो मैंने कहा यार छोड़ो अब जान दो क्या हो गया, लेकिन मैंने कहा नहीं वीडियो मैं डालूंगा, ये ऐसे माफियाज बैठे हैं पिंडी में, ठीक है इनको आपने अवॉइड करना है, ये लोग 20-25 साल से पिंडी पे राज कर रहे हैं, दबा के अवाम को लूट रहे हैं, पैसा लेंगे दबा के, ठीक है इनके मुंह से जो है ना 20,000 से कम वर्ड निकलता ही नहीं। आप बाइक का काम कराने जाएं या आपको कहेंगे 20,000 इस चीज़ पे लग जाएगा, 50,000 लग जाएगा, 60,000 लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इनको अवॉइड करना है, इनसे बचना है। और एक और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक वीडियो भी अटैच करता हूँ, गुफरान हमारा ग्रुप का मेम्बर है, उसने KPR लिया था यूनाइटेड ऑटो से और उसकी क्या हालत थी वो आप देखें। अच्छा तो ये मैं बाइक लिया था यूनाइटेड ऑटो से ऑलमोस्ट 2 महीने पहले, तो अब इसका इंजन रिबिल्ड हुआ है। अब जिसमें पिस्टन आता है वो ये होता है, इसका जर्मन पिस्टन जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, इसका जर्मन पिस्टन ये होता है। अब जो इस बाइक में पिस्टन था वो स्मारा को दिखाता हूँ। सबसे पहले इस बाइक का स्प्लेंडर चेक करें, अंदर से आप देखें सारा अंदर से आप स्प्लेंडर का हालात देख सकते हैं, ये हालात है अंदर से स्प्लेंडर के, सारा स्प्लेंडर अंदर से डेड है। और ये अंदर देखें जंग दत लगा हुआ है स्प्लेंडर के, इसने इस बाइक को कूलेंट की जगह पर पानी डाला है और इस पानी पिस्टन यूज़ किया है, अंदर सारा स्प्लेंडर जो जंग से भरा हुआ है। इस बाइक में से हमें ये वाला पिस्टन निकला जो कि एक 4 वेल्स बाइक का पिस्टन है, और इवन के ये पिस्टन का फिट नहीं हो सकता था, ज़बरदस्ती फिट किया गया। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वॉल टकरा टकरा के निशान बना हुआ है वॉल्स का, इस वजह से इसके वॉल्स तक डैमेज हो गए थे। और ये बाइक है, अब आप इसकी पेंट क्वालिटी चेक कराता हूँ। इस बाइक के ऊपर ये देख सकते हैं ये पेंट आप देखते हैं, इवन के साथ जो लैकर था वो भी दोबारा से किया गया, अब आपको कैमरे पर नज़र तो नहीं आ रहा बट आप यहाँ से साथ देख सकते हैं, तो ये क्वालिटी है यूनाइटेड वालों की। तो ये हालात है जी उसके इंजन के, अंदर तबाही हुई हुई थी, जुगाड़ लगे हुए थे एक से बढ़ के एक। और मेरा भी सिमिलर एक्सपीरियंस रहा था यूनाइटेड ऑटो से, मैंने लिया था उनसे KPR, वीडियो भी पड़ी हुई अभी तक,
रेड केपीआर मैंने लिया था, एक दिन मैंने चलाया, इंस्पेक्शन की, चेकिंग की कि यार कैसा है बाइक, चेक करवाया मैकेनिक्स को, उन्होंने कहा भाई इसका बेड़ा गर्क है, इसको वापस करा दो। और मैं नेक्स्ट डे जाके उमर भाई को वापस कराया था, और जब मैं वहाँ पे वीडियो बनाने लगा तो उमर भाई कहते हैं कि वीडियो ना बनाए, हमारी रेपुटेशन ख़राब होगी, ये वो ये वो। मैंने कहा चल यार जा, ठीक है छोड़ दिया, वीडियो मैंने नहीं डाली उस टाइम, ठीक है मैं वापस कराया। मैंने तेरी रीजंस भी नहीं बताई आपको, ठीक है। इंजन उसका फारिक था, उसका उसके रिम टेढ़े थे, सिवाय उसकी जो बॉडी थी ना वो लश लश चमक रही थी, उसके अलावा उस बाइक में कुछ भी नहीं था। और सेम चीज़ हुई गुफरान के साथ, उसके इंजन में वो काम हुए थे कि मैं बता नहीं सकता। ये जो माफियाज है ना, इनको अभी तक कोई एक्सपोज नहीं कर सका, ठीक है। लोगों के अच्छे एक्सपीरियंस भी जाते हैं, ऑब्वियसली ये नहीं है कि हर किसी को उन्होंने ठग लगाए हैं, उनके पास अच्छे बाइक्स भी आए होंगे, उन्होंने अच्छे भी दिए होंगे, लोगों ने उनसे कई बार बाय किए होंगे, लेकिन जलील हुए होंगे, लाजमी हुए होंगे, बहुत से लोग हुए होंगे। और मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, ठीक है, रोज़े में हूँ अलहमदिल्ला, तो झूठ फूट वाला सीन नहीं है इसमें, जो बात है सीधी सीधी बता रहा हूँ। क्योंकि पिंडी आप जाते हैं ना तो आपको सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है यूनाइटेड ऑटोज, बाबर उस्ताद, ये बड़े बाइक से कामों के लिए, ठीक है। तो मजबूरन आपको जाना पड़ता है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है पिंडी में इतने ख़ास, तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, ख्वार होना पड़ता है, फिर अंदर गलियों में जाके आपको कोई मिल जाता है। मेन जो बैठे हैं ना, ये पुराने 25-25 साल से, तो इन्होंने तबाही मचाई हुई है, दबा के पैसा लूटेंगे आपसे, और दबा के जो है ना आपको चूना लगाएंगे। और ये मेरी सजेशन है, ठीक है। बाकी और बहुत से मैकेनिक्स हैं, जैसे टेकोटॉर्क है, ठीक है, उस बंदे ने मुझे चूना लगाया था अच्छा खासा करके, ठीक है, थ्रॉटल बॉडी के अंदर एल्फी भर के दे दी थी कि भाई ओके हो गया आपका काम। और उस टाइम से वो मेरा बाइक के पीआर जो था वो मिसिंग करता था, तो बस ना पूछें कि क्या क्या लोगों ने चूने लगाए हैं, ठीक है। और अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था, इस वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि पहले मैंने इन पर कोई बात नहीं की कि यार ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। मैकेनिक्स के साथ बुरे एक्सपीरियंस जाते हैं, ठीक है, 100 काम होता है जो ख़राब होता है, बंदा दोबारा चला जाता है, दोबारा ठीक करवा लेता है। लेकिन एक बंदे के पास आप 3 से 4 दफ़ा जाएं और 3 से 4 दफ़ा वो आपको एक महीना पूरा जलील करे और फिर भी काम पूरा ना करे, तो ये बड़ी ना नाकाबले बर्दाश्त बात होती है। सो इसलिए आप लोगों को वॉर्न कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर जाएँ, बाकी मैंने आपको बता दिए जो बताना था। उसके अलावा अब टाइम है कि इसके ना काम स्टार्ट किए जाएँ, और इसकी कुछ चीज़ें मैंने अरेंज की हुई हैं, वो मैं आपको ऐसा ऐसा शेयर करूँगा। इसकी लुक जो है ना ट्रांसफॉर्म होने वाली है, लाइक 2 से 3 डेज़ में इंशाल्लाह ये जो है ना बाइक आपको डिफरेंट लुक देगा। और ये जो सबसे पहले मैंने काम करना है ना, ये पार्ट, इसको मैं खुद ही पेंट करूँगा, थोड़ा सा रेग माल करके ना, इसको ज़रा डबल कोट करके ब्लैक में, इसको ना थोड़ा सा मैट में ही, लेकिन अच्छा सा ना अच्छी सी लुक देंगे इसको। और उसके बाद हैंडल वगैरह चेंज करना है मैंने, इसका असम्बलीज हैं, हैंडल वगैरह चेंज करना है, असम्बलीज हैं, मीटर है, हेडलाइट है, ठीक है, और टेल वगैरह पे भी बाद में जाएंगे, इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करवाते हैं, सेट करवाते हैं, बाकी इसको थोड़ा सा ना फ्रेश लुक दे के उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। एग्जॉस्ट हमने लगा लिया था ऐसी प्रोजेक्ट, और मैं इसकी साउंड भी आपको सुनवा देता हूँ, क्योंकि अब 20 दिन पहले आपने सुनी थी, 20 दिन बाद क्या साउंड दे रहा है। ज़्यादा मैं रेव नहीं करूँगा क्योंकि ना हीटअप होके लीकेज के इशू आते हैं। अभी मैंने यहाँ पर जो ऊपर वाला टैपेट यहाँ रबड़ का जॉइंट डलवाया ताकि जो है ना लीकेज ना हो, पहले उसने सिलिकॉन भर दी थी दबा के, ठीक है, जो इसकी टिक्कियाँ होती हैं ना यहाँ पे, उनकी वजह से। और ये देखें, ये इसने कल रबड़ लगा के दिए, ये भी उतर आया। तो ऐसे काम से ना अच्छा है कि बंदा ख़राब ही बाइक लेके बैठा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वीडियो में नहीं समझ लगती साउंड की, ये जब आप रियल में इसको सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि आवाज़ क्या है। कमेंट आ रहे थे कि वीडियो में कोई रोर नहीं है, साउंड में कोई रोर नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, तो रोर वीडियो में समझ नहीं आता। अगर आपने एक्सपीरियंस की हुई ये चीज़ें तो आपकी इतनी अकल काम करती होगी कि यार वीडियो में नहीं समझ आती साउंड की, ठीक है, वो जो ब्रूटल चीज़ है ना साउंड की वो रियल में ही सुनाई देती है। तो बाकी इसके अलावा इंशाल्लाह सीरीज़ आएंगी काम की, वो आपको दिखाएंगे, मैंने कहा आपको अपडेट कर दूँगी क्या चल रहा है। काफ़ी दिनों से ऑफ था YouTube से, सो वी आर बैक इंशाल्लाह, और आपको इंशाल्लाह अच्छा अच्छा कंटेंट अब देखने को मिलेगा रेगुलरली। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना फीडबैक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज।